राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी के भीतर उभरे असंतोष के बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मंगलवार को कहा कि वह ये बुनियादी सवाल पूछने का समय आ गया है, क्या देश को उच्च सदन राज्यसभा की जरूरत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस प्रवक्ता ने यह सवाल भी किया कि क्या अब राज्यसभा खत्म कर देनी चाहिए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, राज्यसभा जिस मकसद के लिए बनी थी उसे पूरा करने में विफल रही है। उसका मकसद राज्यों के अधिकारों की पैरवी करना था। अब बुनियादी सवाल पूछने का समय आ गया है कि क्या भारत को दूसरे संघीय सदन की जरूरत क्यों है, क्या भारत इसके बिना चल सकता है, क्या राज्यसभा खत्म कर देनी चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन को लेकर पिछले दिनों कई नेताओं ने असंतोष प्रकट किया है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर सवाल खड़े होने में सबसे मुखर आवाज अभिनेत्री और महिला कांग्रेस की महासचिव नगमा मुरारजी की सामने आई है। नगमा ने मुख्य रूप से इमरान प्रतापगढ़ी की उम्मीदवारी पर सवाल खड़े किए और दावा किया कि उनसे उच्च सदन में भेजे जाने का दावा 18 साल पहले किया गया था, लेकिन ये आज तक पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, पार्टी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम और कुछ अन्य नेताओं ने भी राज्यसभा के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के चयन के संदर्भ में दबी जुबान में अपनी नाराजगी जाहिर की है। राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन को लेकर अपनी पार्टी पर निशाना साधते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि उच्च सदन पार्किंग स्थल बन गया है। तिवारी ने तर्क दिया कि राज्यसभा ने कई दशक पहले संविधान से मिली जिम्मेदारियों का निर्वहन करना बंद कर दिया है। गौरतलब है कि कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन को लेकर पिछले दिनों कई नेताओं ने असंतोष प्रकट किया था। वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होगा, लेकिन चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर पार्टी के भीतर ही भारी आक्रोश दिख रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, पार्टी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम और कुछ अन्य नेताओं ने भी राज्यसभा के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के चयन के संदर्भ में दबी जुबान में अपनी नाखुशी जाहिर की है। बता दें कि समाचार एजेंसी एनआई के साथ बातचीत में कांग्रेस नेता ने कहा कि जहां तक मेरी राय है, जिन उद्देश्यों को लेकर राज्यसभा का गठन हुआ था, राज्यसभा उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रही है। राज्यसभा एक तरीके की पार्किंग वाली जगह बन गई है, देश को इसकी जरूरत नहीं है, इस बात की अब समीक्षा करने की जरूरत है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।